जिनके कारण आज हम सब लोग इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 1965 का जो विषय था कि अगर हमारा जवान इस भारत माँ की रक्षा करता हुआ अगर LOC बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाता था तो उस समय के अंदर खाली ट्रंक ही का रास्ता था और तेल गेर करके वहीं साड़ दिए जाते थे। परंतु ये सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, इस भारत माँ के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन शहीदों को सम्मान देने का काम किया और कहा कि पूरा प्रशासन आएगा अगर कोई हमारा जवान शहीद हो जाता है बॉर्डर के ऊपर तो उसके सम्मान में उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा का पूरा प्रशासन और उसकी सम्मान के साथ वहां से जो डेड बॉडी है वो घर तक पहुंचाई जाएगी और परिवार को भी पीछे जो परिवार उसकी भी कोई चिंता नहीं करता था। उस 10 लाख रुपए से बढ़ा करके आज हरियाणा सरकार ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो एक देशिया ग्रांट वो 50 लाख रुपए की उनके शहीदी के ऊपर अगर कोई हमारा जवान शहीद हो जाता तो उसके सम्मान के भी सरकार ने विचार नहीं किया। ये पहली बार अगर विचार किया तो ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट चल रही है ये मनोहर लाल जी ने विचार किया कि हमारे जो भी जवान 1962 1965 1971 1947 के बाद कोई भी हमारा जवान शहीद हुआ है उस जवान के शहीद के परिवार के अंदर एक नौकरी दी जाएगी और हमने चुन चुन करके कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आई है ये पहली बार हुआ है कि उसके शहीद के पोते तक नाती तक अगर परिवार लिख करके देता है उसको वेरीफाई करता है। हमने 204 ऐसे परिवारों को जिनकी आज तक सूद नहीं ली गई थी जिनके बारे में विचार ही नहीं किया गया था उन परिवारों के अंदर एक एक नौकरी देने का काम वो मनोहर लाल जी सरकार ने किया। अपने विधानसभा क्षेत्र से कोड़वा कला से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को आप पहुंचा दो तो मैंने वो चीफ सेक्रेटरी को पहुंचा दी। सारा का सारा वेरीफाई होकर के उस परिवार को भी नौकरी मिल जाए, एक बच्चे को नौकरी देने का काम। अगर शहीदों के बारे में किसी ने कोई चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन शहीदों को सम्मान देने का काम किया गया था तब हरियाणा के अंदर आए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक इस नाम के ऊपर भी लोग राजनीति लागू किया जाए परंतु 1947 से लेकर के 2014 तक उसको उसी बात में घुमाते रहे और वो ROP लागू नहीं किया। जिन लोगों ने 55 वर्ष तक एक परिवार ने शासन किया देश के ऊपर और वो शासन किया अपने कुछ लोगों को मजबूत करने का काम किया और नहीं तो पूरे देश की हालत क्या खराब किया वो आज आप लोगों के सामने। पूरे देश की जनता ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया और उसके प्रति जागरूक हुए देश की जनता, उसके परिणाम निकल करके आए। अगर कोई स्वच्छता को लेकर के इसमें जुड़ता है तो स्वच्छता से एक तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है, गंदगी भी नहीं रहती और वो हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब उसके अंदर अपना महायोगदान दें। और ये महात्मा गांधी जी ने जब देश आजाद हुआ था उनका एक सपना था कि मेरा देश स्वच्छ हो, मेरा देश गरीबी से मुक्त हो,
परंतु सपना ही बन करके रह गया।